हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी व्लॉग्स। पीछे का नजारा देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। एग्जैक्टली आज मैं करने वाली हूँ, मेरी अनन्या का जो कबर्ड है, जो बिल्कुल ऑलमोस्ट स्टोरेज बॉक्स लग रहा है कि जो मिला जहां डाल दिया, उसको आई एम गोइंग टू ऑर्गेनाइज टुडे, गिव इट अ ऑर्गेनाइज्ड लुक, सो दैट जो सामान निकालने में इजी हो, यूज करने में इजी हो और दिखे भी भाई क्या क्या है। मैं दिखाती हूँ अब इसकी हालत क्या है। लेट मी बिगिन फ्रॉम दिस पार्ट। यहाँ पे है उसके पार्टी वेयर, जो बिल्कुल पता नहीं लग रहे हैं क्या है। थोड़े पार्टी वेयर इधर भी है। ये है उसके डेनिम्स वगैरह। यहाँ पे है उसका एथनिक वेयर। आते हैं दूसरे पार्ट में, तो ऊपर है उसके बैग्स वगैरह, एक्सेसरीज। यहाँ पे उसके रेगुलर वेयर कपड़े। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम आते हैं, और यहाँ पे मैंने रखे अपने स्टोरेज के लिए टॉवल्स। आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल दैट फ्रॉम हियर। और इस पार्ट में आते हैं तो ये एक स्टोरेज का प्रिंटर का डब्बा यहाँ पे, आई डोंट नो सुभाष ने क्यों रखा है, एंड ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। कुछ साड़ियाँ निकाली थी मैंने, वो पड़े हैं मेरे, आई एम गोइंग टू रिमूव दैट। और नीचे है उसके सारे वुलन। देखा आपने कितना मेस बना हुआ है, ये पूरा जो हालत है लेने के कबर्ड की। तो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और वीडियो पूरा देखना, क्योंकि बीच में मैं, जैसे रिक्वेस्ट मुझे बहुत आए थे कि अन्य के पार्टी वेयर, एथनिक वेयर, उसके एक्सेसरीज को मैं दिखाऊं क्या क्या है उसके पास, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको बीच बीच में कि उसके पास पार्टी वेयर में क्या है, एक्सेसरीज कौन से हैं, बैग्स कौन से हैं। सो लेट्स बिगिन। और यस, मैं जो भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज करूंगी उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि आप हमेशा पूछते हो मैंने कहां से लिया है। तो जो भी अवेलेबल होगा आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हैं मेरे और अनन्या के स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो ये वाला पार्ट आई एम गोइंग टू लीव इट लाइक दिस। दिखाती हूँ आपको मेस। देखो अब ये सब सेट करना है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो बीच में सेक्शन है पूरा टॉवल्स और बेडशीट्स का, इसको मैं बाद में निकालूंगी क्योंकि जगह ऑलरेडी खत्म हो गई है। तो सबसे पहले मैं सारा कवर जो है इसको वाइप कर लूंगी अच्छे से, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी उसको सारा ऑर्गेनाइज करना। मैस देखो मेरे पीछे। सो आई विल बिगिन विद दी पार्टी वेयर, उनको हैंग करूंगी मैं। तो जैसे मैं अपने पहले वीडियो में दिखाया था, मैं ये हैंगर्स यूज कर रही हूँ, ये एंटी स्लिट हैंगर्स है, ये देखिए। और ये आपके लेंथ के हिसाब से आप इसको ऐसा बड़ा भी कर सकते हो और छोटे कपड़े तो छोटा भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। द थिंग इज दैट ये जो लेंथ है ये थोड़ा छोटा है और अन्य के फ्रॉक्स लंबे हैं, तो मैं यहां से इसको निकाल दूंगी। तो इसकी जरूरत नहीं है। सो ये हो गया अनन्या के पार्टी वेयर, मैं आपको दिखाती हूँ इसके पार्टी वेयर में क्या क्या है। सो ये है अनन्या के जो हैवी वाले पार्टी वेयर हैं वो। ये है उसका, जस्ट अ सेकंड, ये है उसका फेवरेट फ्रोजन, पीछे ऐसा भी है इसके,
नेक्स्ट है ये लॉन्ग फ्रॉक है एक ऐसा लाइक दिस ये अगेन एक बहुत ही सोबर कलर नेक्स्ट है ये भी बहुत अच्छा सा है पीछे इसके भी सा लंबा केप जैसा है शो यू ये देखिए ऐसा है और इसके पीछे जो है ऐसा लंबा केप है लाइक दिस अन्य को केप बहुत पसंद है तो उसकी मोस्टली फ्रॉक्स में आपको ऐसे पीछे का लंबा दिखेगा दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रिटी ड्रेस ये पूरा यहाँ पे कढ़ाई किया हुआ है काम और ये तो आपने देखा होगा उसका बर्थडे का ड्रेस है इसमें इसके कलर जो इतना सुंदर है ना उतना वीडियो में आ नहीं रहा है इट्स अ वेरी प्रिटी कलर बहुत प्रिटी है ये कॉम्बिनेशन नेक्स्ट इज दिस सिंपल प्लेन रेड कलर ये एक सिंपल प्लेन सा फ्रॉक है ऐसा शिमरी फ्रिल वाला ये भी वन ऑफ द प्रिटीएस्ट फ्रॉक है जो पूरा शिमर शिमर है पार्टी वेयर एज अ पार्टी वेयर बहुत सुंदर लगता है ये नेक्स्ट इज दिस पिंक और ये पूरा शिमरी शिमरी पूरा सीक्वेंस वर्क है इसमें और ये है एक पूरा सिल्क का थ्रेड वर्क है इसमें पूरा व्हाइट प्लेन सो ये है उसके हैवी पार्टी वेयर अपार्ट फ्रॉम दिस और भी हैं बट देन वो इतने हैवी में नहीं आते वो जनरल है उसके अभी अन्य के जो एथनिक वेयर है उसमें से बहुत जो है एथनिक वेयर वो छोटे हो गए हैं वो उसको नहीं आते हैं तो मैं उनको सब निकाल दूंगी और जो अभी फिलहाल उसको आ रहे हैं आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दैट तो ये है अनन्या के एथनिक वेयर जो फिलहाल उसको फिट होते हैं यह है एक सिंपल सा रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में लहंगा नेक्स्ट है ये आपने उसको ऑलरेडी देखा हुआ पहने हुए ब्लू और गोल्डन दिस इज पिंक विद टर्कोइज ब्लू ये नॉर्मल एक अगेन ग्रीन है उसके नीचे ऐसा फ्रिल है एंड दिस इज ब्लैक और ऑरेंज और यहाँ पे कुछ है जो उसकी कुर्तियाँ हैं सलवार वगैरह है और ये है उसकी एक बंगाली साड़ी जो उसको बहुत पसंद है अभी आई एम गोइंग टू यूज दीज बैग्स टू स्टैक अनन्यास जो रेगुलर वेयर कपड़े हैं वो तो ये मैंने अमेजोन से मंगाए हैं बहुत ही अच्छे हैं ये ऐसा है और इसके अंदर ये ऐसा है रखने के लिए ऐसा उठाने के लिए आप स्टिकर भी आप लिख सकते हो उसमें क्या है ऐसे ये तीन का सेट मंगाया था मैंने लार्ज मंगाया है इसमें डिफरेंट साइजेस भी अवेलेबल हैं जैसे स्मॉल है मीडियम है और ये कपड़े का है इट्स नॉट प्लास्टिक दैट इज द बेस्ट पार्ट सो इन फर्स्ट कार्टन में आई एम गोइंग टू पुट ऑल दीज जो वुलन कपड़े हैं वो हो गए हमारे तीन स्टैक्स ये हैं अनन्या के स्कर्ट्स और शॉर्ट्स और वैसे नॉर्मल फ्रॉक्स ये है वो कपड़े जो अभी हमको चाहिए नहीं वुलन वेयर और यहाँ पे है अनन्या का डे टू डे वेयर जो टी शर्ट्स हैं शॉर्ट्स वगैरह हैं वो सो आई एम गोइंग टू यूज दीज स्मॉल बैग्स अगेन दीज आर फ्रॉम अमेजोन सो इसमें मैंने के जो एक्सेसरीज हैं गोइंग टू यूज दैट और उसके गारमेंट्स आई एम गोइंग टू यूज इन दिस
और यहाँ पे हमने कुछ नेकलेस वगैरह, इसका ब्रेसलेट और कुछ फिंगर रिंग्स। Now let's come to this product which is just my favorite product. मतलब अनन्या के इतने सारे क्लिप्स हैं, I mean the reason I wanted to have a baby girl is because of this. Yeah, I wanted so many clips and dresses for my daughter. So anyhow, तो ये इतना अच्छा है, you can see इतने सारे क्लिप्स अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए, सारे दिख भी रहे हैं, जब आपको यूज करना है निकालिए और जस्ट यूज देम। और इसमें दो साइड है, ये साइड ऐसा है और ये साइड ऐसा है। तो सेकेंड वाले साइड में जो है लूप्स है, तो ये कुछ है बेल्ट जो मैंने निकाले थे अभी, तो इसको हम ऐसा सिंपल जो है ये, तो ये जो लूप्स है यहाँ पे ऐसे, इसके अंदर सिंपली इसको हम ऐसे डाल देंगे, सो लाइक दिस। तो ये एक ही में सारे हेयर बैंड्स और क्लिप्स सॉर्टेड हो गए। अब मैं दिखाती हूँ आपको अनन्या का जो हेयर बैंड और क्लिप का कलेक्शन है, वो बहुत रिक्वेस्ट आया था इसके लिए। सो दीज आर हर हेयर बैंड्स, यहाँ पे एक है, दिस इज वाइट, ऐसा बटरफ्लाई फ्लावर, दीज आर सीक्वेंस कलरफुल, ये है जो वो बहुत पहनती है, वो फेवरेट कैट वाला, दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रिक्वेंटली शी वेयर्स, ये है दो कलर में, पिंक और ग्रे, दिस ये अगेन कैट ईयर्स, देन हियर ये उसके पोलका डॉट वाला मिनी माउस, दिस इज हर पॉम पॉम वाला, एंड दिस इज उसका रेंडियर, और ये कुछ प्लेन हेयर बैंड्स हैं। सो अभी फिलहाल तो ये है, बाकी उसने इधर उधर रखे होंगे तो आई डोंट नो। ये यहाँ पे हैं उसके जो क्लिप्स हैं हेयर एक्सेसरीज वो, सो यहाँ पे हैं कुछ ब्लैक सिंपल से ये क्लिप्स, येलो वाइट, यहाँ पे है दो इसके पिंक और रेड कलर के से बोस, ये एक बड़ा सा बो, उसके बर्थडे पे आपने देखा होगा। नेक्स्ट इज दिस फ्लावर, ये पेपा पिक का, दिस इज लाइक दिस, दो है क्लिप्स यहाँ पे, ऐसा एक प्रिंसेस और एक ये ऐसा, और ये है उसके टियारास, ऐसा एक गोल्डन है और एक सिल्वर है, चाहिए छोटे छोटे क्लचेस कलरफुल से। फिर है यहाँ पे उसके वाइट कलर के कुछ पिन्स ऐसे फ्लोरल से, छोटे छोटे ऐसे फ्लोरल पिन्स बैंड्स, ऐसे ये स्टोन और कलरफुल बीड्स वाले, यहाँ पे ये कलरफुल से छोटे छोटे रबर बैंड्स, और ये अगेन कलरफुल डिफरेंट कपड़ों के साथ मैच करता हुआ, ये उसका फेवरेट्स यूनिकॉर्न आई गेस, इधर है उसका यूनिकॉर्न, अगेन रबर बैंड्स हैं ये उसके डिफरेंट डिफरेंट, ये क्लिप्स हैं थोड़े से, दीज आर अगेन बो वाले क्लिप्स, ये कलरफुल क्लिप्स, कलरफुल क्लिप्स, दीज आर अगेन छोटे छोटे बोज वाले क्लिप्स, और ये हैं जो वुडन नहीं होता है क्रोशिया का वर्क वैसा, एंड दीज आर अगेन क्लिप्स कलरफुल। तो ये है उसके हेयर एक्सेसरीज। इसमें ये यूज करने वाली हूँ हैंग करने के लिए अनन्या के जो बैग्स है उसको, तो ये बहुत ही हैंडी है, आपको कहीं भी कील वगैरह ठोकने की जरूरत नहीं है, ये मैंने पहले भी आई थिंक दिखाया है ये प्रोडक्ट, ऐसे और ऐसे आप उसको लगा देते हैं इधर, मच ऊपर लग जाएगा और उसमें अनन्या के सारे बैग्स आ जाएंगे। सो वो बैग्स है जो अनन्या बहुत ज्यादा यूज करती है, और ये कुछ बैग्स हैं जो उतना ये भी यूज करती है, बट आई थिंक वहाँ पे बेटर नहीं लगेगा, और ये हैं कुछ और बैग्स। सो मेरे पास ये जगह ऊपर की खाली है तो मैं उसको वहां पे रख दूंगी। और फाइनली मैं कबर्ड्स में यूज करने वाली हूँ ये तुलसी सैशे, ये अरोमा खुशबू के लिए है, एक्चुअली कबर्ड में कपड़े रहते हैं तो बंद रहते हैं तो काफी स्मेल आता है, तो दीदा जस्ट फ्रेग्रेंस के लिए, ऐसे करके आप उसको पुल करेंगे तो उसको हैंग कर सकते हैं। This is how my cupboard looks right now. All set and organized and very much visible. अब सब पता लग रहा है कहाँ पे क्या है। So यहाँ पे ऊपर रखा है मैंने woolen wear, regular wear. यहाँ पे है undergarments और थोड़ी सी अनन्या के जो है accessories वो, और नीचे है यहाँ पे स्विमिंग जो कॉस्ट्यूम्स है वो। कमिंग टू दिस पार्ट आर हर शॉर्ट्स एंड जो है फ्रॉक्स वो, और यहाँ पे है उसके सारे पार्टी वेयर,
और इधर अगर हम आए तो यहाँ पे उसके कुछ बैग्स, उसके एथनिक वेयर, और यहाँ पे है थोड़े बेडशीट्स वगैरह, और नीचे है उसका जो स्कूल सप्लाईज वगैरह है वो। सो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। तो मैंने दिखा दिया आपको अनन्या के पास कौन से पार्टी वेयर हैं, उसके एक्सेसरीज, और फाइनली हर कबर्ड इज नाउ ऑर्गेनाइज एंड इट लुक्स सो नाइस। वैसे लग रहा है कि ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामान आराम से मिल जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्पफुल, कुछ तो हेल्पफुल टिप्स मिले होंगे। और मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, वो था ये देखिए, पुराने कपड़े इतने भरे हुए थे अनन्या के जो छोटे हो गए थे, फाइनली ये देखो इतने कपड़े उसके निकले हैं। सो क्लोजेट में काफी सारा सामान था जो जरूरत नहीं थी और वो छोटे हो गए थे, इट वॉज ऑक्यूपाइंग सो मच स्पेस। सो फाइनली स्पेस बन गया है और मैं अपना वीडियो आज का यहीं खत्म करती हूँ। सो आई रियली होप आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। लगा है तो यू नो थम्स अप, कमेंट, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करना। सो मिलती हूँ दोबारा आपको एक और हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।